नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, सहायक आचार्य प्राणीशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु को सर्वप्रथम डच वैज्ञानिक ल्यूवेन हॉक ने देखा था। इन्होंने इसे स्पर्मेटोजोआ नाम दिया। लजारस प्लेंजिनी ने प्रजनन में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अनुसार मेंढक के फिल्टर्ड सीमन में निषेचन की क्षमता नहीं पाई जाती है, परंतु शुक्राणु के परजीवी होने के मत को समर्थन दिया। प्रीवोस्ट ड्यूमोस के अनुसार शुक्राणु परजीवी नहीं होते हैं, अपितु निषेचन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले एजेंट होते हैं। कोलिकर ने पाया कि शुक्राणुओं का निर्माण वयस्क के वृषण में होता है। तत्पश्चात वॉन बीयर ने शुक्राणुओं को शुक्राणु नाम दिया। संरचना की दृष्टि से शुक्राणु के निम्नलिखित भाग होते हैं, शीर्ष या हेड भाग, मिडिल या मध्य भाग, पुच या टेल भाग। तो पहले हम पढ़ते हैं शीर्ष भाग के बारे में। हेड की आकृति भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न होती है। शुक्राणु के शीर्ष के अग्रभाग पर एक्रोसोम तथा उसके बाद केंद्रक स्थित होता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। यह दोहरी झिल्ली के द्वारा आवृत रहता है। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स को स्पर्म लाइसिन कहते हैं। मानव के शुक्राणु एक्रोसोम में हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है, जो निषेचन के दौरान अंडकोशिका पर स्थित कोरोना रेडिएटा में पाए जाने वाले हाई एल्यूरोनिक अम्ल का अपघटन कर देता है। इसके अतिरिक्त एक्रोसोम में एसिड हाइड्रोलिसिस, एक्रोसिन, एक्रोसोमिन, एसिड फॉस्फेटेज तथा बाइंडिन पाए जाते हैं। शुक्राणु के शीर्ष में एक्रोसोम व केंद्र के मध्य भाग में उपस्थित रिक्त स्थान को हम परफोरेटोरियम कहते हैं। इसमें जी एक्टिन व कैल्शियम आयन भरे हुए होते हैं। शीर्ष भाग केंद्रक द्वारा निर्मित होता है। इसमें केंद्रिका व न्यूक्लियोप्लाज्म का अभाव होता है। शुक्राणु के केंद्रक में केवल क्रोमेटीन पाए जाते हैं, जो अगुणित तथा क्षारीय प्रोटीन से बंधित होते हैं। ब्रेचेट के अनुसार केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इसके स्थान पर आर्जिनिन बहुलता वाले प्रोटामिन्स पाए जाते हैं, जो डीएनए को बांधने का कार्य करते हैं। भिन्न भिन्न जातियों में शीर्ष की संरचना भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे मानव में यह चम्मच के आकार का, चूहों में यह हुक के आकार का होता है। अब हम बात करते हैं मध्य भाग की। शीर्ष व मध्य भाग के मध्य ग्रीवा भाग में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। समीपस्थ सेंट्रियोल केंद्रक के पश्च भाग में स्थित पिट में स्थित होता है। यह सेंट्रियोल विदलन विभाजन के दौरान तर्कु तंतु या माइटोटिक स्पिंडल के निर्माण में भाग लेता है। यह सेंट्रियोल शुक्राणु के लंब अक्ष के समकोण पर स्थित होता है। इसके पास डिस्टल सेंट्रियोल स्थित होता है। इसके द्वारा अक्षीय तंतुओं का निर्माण किया जाता है। अक्षीय तंतु शुक्राणु के मध्य भाग से पुच्छ भाग तक फैले हुए होते हैं। अक्षीय तंतु एक्सोनीम के केंद्र में दो तथा परिधीय भाग में नौ डबल मेम्ब्रेन लेयर पाए जाते हैं। अक्षीय तंतुओं का निर्माण डिस्टल सेंट्रियोल से उत्पन्न माइक्रोटिब्यूल्स के द्वारा होता है। परिधीय नौ दोहरे तंतुओं में प्रत्येक माइक्रोटिब्यूल में 13 प्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। दोहरे तंतुओं के दूसरे सेट में केवल 11 प्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रोफिलामेंट्स का निर्माण ट्यूबुलिन प्रोटीन द्वारा होता है। माइक्रोटिब्यूल से संयोजित डायनिन प्रोटीन द्वारा अक्षीय तंतुओं में सक्रियता पाई जाती है। डायनिन प्रोटीन रहित अक्षीय तंतुओं में सक्रियता नहीं पाई जाती है। ग्रीवा के नीचे भाग में अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रियल रिंग पाए जाते हैं। शुक्राणु के इसी भाग द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है।
और माइटोकॉन्ड्रिया आपस में फ्यूज होकर डिंबकन शीथ बनाते हैं। शुक्राणु के शीर्ष व मध्य भाग पर कोशिका द्रव्य का पतला आवरण पाया जाता है, जिसे हम मैनचेट कहते हैं। मध्य भाग के पश्चात रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है, जिसका कार्य अज्ञात है। अब पूंछ या टेल भाग के बारे में बात करते हैं। टेल शुक्राणु का सबसे लंबा तंतुमय भाग होता है, जो गति में सहायता करता है। इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, मुख्य भाग या प्रिंसिपल पीस। यह भाग चौड़ा होता है, जिसमें अक्षय तंतुओं की 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। अक्षय तंतुओं के बाहर दो अन्य ठोस तंतु पाए जाते हैं। मुख्य भाग में कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जो प्लाज्मा झिल्ली से आवृत होता है। दूसरा, अंतिम भाग या एंड पीस। इस भाग में कोशिका द्रव्य का अभाव होता है, परंतु अक्षय तंतु पाए जाते हैं। इस पर प्लाज्मा झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता है। मुख्य भाग के समान ही ठोस तंतु नहीं पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्पर्म में गमन या शुक्राणुओं में गमन किस प्रकार होता है। टेल भाग में तरंगित गति द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में गति करते हैं। इस हेतु कार्यरत बल डायनिन प्रोटीन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह प्रोटीन अक्षय तंतुओं के माइक्रोट्यूब्यूल से बंधित होता है। डायनिन द्वारा ATP का जल अपघटन किया जाता है, जिससे रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। हिस्टोन 1 प्रोटीन के अभाव से माइक्रोट्यूब्यूल को स्थायित्व प्राप्त होता है। डायनिन प्रोटीन संपूर्ण यूकैरियोटिक जगत में पाई जाती है। शुक्राणुओं को गमन हेतु ऊर्जा मध्य भाग से प्राप्त होती है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शुक्राणु ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं शुक्राणुओं के प्रकार। शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पर्म और नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म। कशाबीकीय शुक्राणु या फ्लैजिलेटेड शुक्राणु वे शुक्राणु होते हैं, जिसमें फ्लैजिला द्वारा गमन होता है। सामान्यतः सभी जीवों में शुक्राणुओं में एक एक कशाबीका पाई जाती है, परंतु ऑपोसम टॉड फिश के शुक्राणु ड्यूअल फ्लैजिलेटेड होते हैं। ऐसे शुक्राणु जिसके शीर्ष भाग आपस में जुड़कर स्पर्म नोट या शुक्राणु नौका बनाते हैं, उसे संयुग्मित शुक्राणु या कॉन्जुगेटेड स्पर्म कहते हैं, जैसे ओपोसम तथा ग्रास होपर। इस प्रकार के शुक्राणु मादा की अंडवाहिनी में एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म या अकशाबीके शुक्राणु, इन शुक्राणुओं में कशाबिकाओं का या फ्लैजिला का अभाव होता है। ये अमीबीय विधि से गमन करते हैं, जैसे एस्केरिस, क्रस्टेशियन तथा पॉलीफेमस, क्रेब व लॉबस्टर के शुक्राणुओं में विभिन्न प्रवर्धों के द्वारा गमन पाया जाता है। धन्यवाद।